हेलो गाइस, स्वागत है आपका कविता के किचन में। आज हम बनाने वाले हैं नया नाश्ता जो कि हम ममरा से बनाए के, इसको कुरमोरा भी बोलते हैं। और इसके लिए हमें लगेगा सेव, नींबू का पानी, ममरा, मिर्ची और कड़ी पत्ता और प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। अगर आपको शिमला मिर्च नहीं डालना है तो भी ठीक है। अभी हम सभी चीज़ों को चॉप कर लेंगे, हमारे प्याज, टमाटर और कैप्सिकम को। अगर आपको हाथों से काटना है तो भी ठीक है। देखो, हमारा चॉपर से ये जो प्याज और टमाटर और कैप्सिकम है वो काट के तैयार हो चुका है। और अभी हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी इसके आगे हमें इस एक पतीले में हमें पानी ले लेना है। इसमें मैं एक कप कुरमुरा डाल रही हूँ, मैं और एक कप डाल रही हूँ। हमें कुरमुरा को अच्छी तरह से भिगो देना है। अब अगर आपके पास ऐसे सेके हुए कुरमुरे नहीं है, अगर आपको सादा कुरमुरे लेना है तो आप सादा जो व्हाइट कलर का आता है वो भी आप मार्केट से ले सकते हो। हमारे जो कुरमुरे अच्छी तरह से भीग गए हैं, हमें इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक भिगाना है। देखो, हमारे कुरकुरे हैं जो भीग गए हैं। अभी मैं इसको एक पानी से निकाल के मैं एक डिश में डाल रही हूँ। ये हमें इसकी जो रेसिपी है, बिल्कुल हमें जैसे हम पोहा बनाते हैं वैसे ही बनाना है। बिल्कुल हम लोग पहले कैसे पोहा को भिगाते हैं वैसे ही हमें करना है। ये हमारे भिगोए हुए पोहे हैं, वो अब मैं साइड में रख दूँगी। और अब हम ममरा पोहा और यानी कि ममरा का नाश्ता बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। अब मैं एक पतीले में गैस ऑन करके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, मैं थोड़ा सा ही ऑयल डाल रही हूँ। हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। इसमें मैं अभी डाल रही हूँ आधी चम्मच राई और आधी चम्मच जीरा। राई के फूट जाने पर मैं इसमें छोटी चम्मच हींग डाल रही हूँ और उसके बाद में मिर्ची और धनिया, कड़ी पत्ता और अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हमारा जो कटा हुआ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। अगर आपको शिमला मिर्च नहीं डालना है तो आप मत डालिए। उसके बाद हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और स्लो गैस पर हमें ढककर रख देना है। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है। अभी हमारे 2 मिनट हो गए हैं, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक। हमें ज़्यादा नमक और हल्दी नहीं डालना है क्योंकि हमारी जो कुरमुरे है जो हमें भिगोए हैं उसमें ऑलरेडी हल्दी और नमक है ही। और उसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं डालूंगी हमारा जो नींबू का रस है वो, और ताकि क्योंकि नींबू का जो रस है वो थोड़ा खट्टा होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा शुगर डाल रही हूँ। मेरी गैस की फ्लेम स्लो ही है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हमारे भिगोए हुए कुरमुरे। अभी मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लो। जो हमारी जो कुरमुरी बेल है वो एकदम से तैयार है। हमें एक डिश में हम सेटिंग कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा हम सेव डालेंगे। आपको अगर बारीक सेव डालना है तो आप वो भी डाल लीजिए। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दो सजाने के लिए। और अभी हमारा जो कुरमुरा भेल है या फिर कुरमुरा पोहा दोनों तैयार है खाने।